नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एनुअल ईऑक्शन के लिए जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए मात्र 6 दिन का समय बचा हुआ है और इस 6 दिन के अंदर ही चैनलों को अपना फॉर्म प्रसार भारती के पास सबमिट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, डीडी फ्रीडिश के प्लेटफॉर्म पर जो भी चैनल लॉन्च होना चाहता है उनके लिए आखिरी मौका है 12 फरवरी का। 12 फरवरी के बाद किसी भी चैनल का फॉर्म या एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इसी वजह से अब चैनलों ने तैयारी शुरू कर दिया है कि डीडी फ्रीडिश के प्लेटफॉर्म पर अगर लॉन्च होना है तो अपना फॉर्म, अपना एप्लीकेशन प्रसार भारती के पास सबमिट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन चैनल्स के बारे में बात करेंगे जो अभी डीडी फ्रीडिश पर मौजूद नहीं है लेकिन डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च होंगे, एनुअल ईऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं चैनल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को उन सभी चैनल्स के बारे में बताया था जो डीडी फ्रीडिश पर अभी मौजूद हैं और आगे भी डीडी फ्रीडिश पर मौजूद रहेंगे, यानी कि एनुअल ईऑक्शन में भाग लेंगे और स्लॉट जीतकर फिर से आपको 1 अप्रैल 2024 से देखने को मिलेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, उस वीडियो मैंने सभी लिस्ट को दिखाया है जो आपको 1 अप्रैल 2024 से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन सभी चैनल्स के बारे में बात करेंगे जो अभी डीडी फ्रीडिश पर मौजूद नहीं है, जो पेड डीटीएच पर मौजूद है लेकिन एनुअल ईऑक्शन में पार्टिसिपेट करके स्लॉट जीतकर 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च हो सकते हैं। तो उन्हीं सभी चैनल्स की लिस्ट आज आपको हम दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को डीडी फ्रीडिश की अपडेट सबसे पहले हमारे वीडियो के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आप सभी लोगों को बोला भी था कि अगर आपको नए चैनल्स के बारे में लिस्ट चाहिए, नए चैनल्स के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि वो कौन से चैनल हैं जो इस साल आने वाले हैं, जो इस साल एनुअल ईऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो मैंने उन्हीं चैनल्स के बारे में बताया था जो डीडी फ्रीडिश पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन सभी चैनल्स के बारे में बताएंगे जो अभी डीडी फ्रीडिश पर मौजूद नहीं है लेकिन डीडी फ्रीडिश पर मौजूद होने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैनल्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नाम निकल के सामने आ रहा है, सबसे पहले रैपचिक चैनल का। रैपचिक चैनल ने अपने चैनल पर ही प्रोमो चलाया है कि डीडी फ्रीडिश पर हम मौजूद होने जा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों का चैनल है और दोस्तों, इस चैनल की पूरी संभावना है कि ये चैनल स्लॉट जीत के डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है दंगल तेलुगु का, दंगल नेटवर्क का चैनल है, तेलुगु लैंग्वेज का चैनल है। तो दोस्तों, या तो ये MPG 2 में नहीं तो MPG 4 में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद आ रहा है इंडिया अहेड हिंदी, ये एक न्यूज़ का चैनल है और इस चैनल ने भी अपना प्रोमो दिखाना शुरू कर दिया है कि डीडी फ्रीडिश पर मौजूद होने जा रहे हैं और ये चैनल भी दोस्तों कन्फर्म है कि स्लॉट जीतकर डीडी फ्रीडिश पर जरूर लॉन्च होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, उत्सव टीवी, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज का चैनल है, MPG 2 में या MPG 4 में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं प्रतिदिन टाइम, ये भी एक न्यूज़ का चैनल है और बंगाली लैंग्वेज का चैनल है और ये चैनल भी आपको MPG 4 में या MPG 2 में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैनल है मस्ती प्लस। जी हाँ दोस्तों, मस्ती प्लस ये एक म्यूजिक का चैनल है और ये चैनल भी पूरा संभावना है कि स्लॉट जीतकर 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, नेक्स्ट चैनल है मन मराठी, मराठी लैंग्वेज का चैनल है, MPG 2 में या MPG 4 में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं माई बोली प्लस, ये भी एक मराठी लैंग्वेज का चैनल है और ये चैनल भी MPG 2 में या MPG 4 में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं जी अनमोल सिनेमा 2, जी नेटवर्क का चैनल है और ये चैनल आपको MPG 2 में देखने को मिलेगा। या तो ये चैनल रिब्रांड होगा या दोस्तों जी नेटवर्क की तरफ से इस चैनल को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, नेक्स्ट चैनल है बीफ्लिक्स एक्शन, बीफ्लिक्स नेटवर्क का चैनल है, एक्शन का चैनल है, हिंदी फिल्मों का चैनल होगा, ये चैनल भी डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं सिमारो क्लासिक, जी हाँ दोस्तों, सिमारो नेटवर्क का चैनल है और ये चैनल भी डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, नेक्स्ट चैनल है सिमारो बॉलीवुड, सिमारो नेटवर्क का चैनल है और दोस्तों सिमारो नेटवर्क के पास मूवी का, फिल्मों का खजाना है और इसी वजह से सिमारो नेटवर्क ने सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक चैनल को लॉन्च करने का मन बनाया है और इसकी टेस्टिंग अभी पेड डीटीएच पे चल रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले सिमारो नेटवर्क जब भी कोई चैनल लॉन्च करता है तो डीडी फ्रीडिश पर ही लॉन्च करता है, इस वजह से इस चैनल की पूरी संभावना है कि ये चैनल आपको MPG 2 बॉक्स में 1 अप्रैल 2024 से जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, नेक्स्ट चैनल है स्टार भारत, स्टार नेटवर्क का चैनल है
और दोस्तों स्टार भारत चैनल भी डीडी फ्रीडम्स पर लॉन्च किया जाएगा। स्टार भारत चैनल की संभावना ये है कि ये चैनल आपको रिब्रांड करके दिखाया जाए, किसी नए रूप में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैनल की। नेक्स्ट चैनल है स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट। काफी डिमांड है इस चैनल का डीडी फ्रीडम्स पर, इस बात का एहसास स्टार नेटवर्क को भी है। और दोस्तों पूरी संभावना है कि स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट चैनल आपको 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडम्स पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं। नेक्स्ट चैनल आपके चारों पसंदीदा चैनल है। जी हाँ दोस्तों, कलर रिश्ते की बात करते हैं, जी अनमोल की बात करते हैं, सोनीपल की बात करते हैं, स्टार उत्सव की बात करते हैं, तो इन चारों चैनल की भी पूरी संभावना है कि ये चारों चैनल अब डीडी फ्रीडम्स पर लॉन्च किए जाएंगे। क्योंकि ब्रॉडकास्टरों को अच्छी तरह पता हो गया है कि इन चारों चैनल का जो अच्छी जगह है, जो टीआरपी वाली जगह है, वो डीडी फ्रीडम्स है। डीडी फ्रीडम्स के अलावा कहीं पर भी इन चारों चैनल को टीआरपी नहीं मिलेगी, ना ही पे डीटीएच पर मिलेगा और ना ही केबल टीवी पर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इन चारों चैनल को डीडी फ्रीडम्स पर ही टीआरपी मिलेगा और ब्रॉडकास्टर को इस चीज का एहसास हो गया है। इस वजह से ये चारों चैनल भी आपको डीडी फ्रीडम्स पर 1 अप्रैल 2024 से देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी गुड न्यूज है डीडी फ्रीडम्स के दर्शकों के लिए। डीडी फ्रीडम्स के दर्शकों का डिमांड भी है कि ये चारों चैनल डीडी फ्रीडम्स पर आने चाहिए। और दोस्तों पूरी संभावना बताई जा रही है कि ये चारों चैनल डीडी फ्रीडम्स पर लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ चैनलों के नाम हैं जो नए चैनल हैं जो अभी डीडी फ्रीडम्स पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडम्स पर मौजूद होने जा रहे हैं, लॉन्च होने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चैनल हो सकते हैं जिनके नाम हमको नहीं पता चल पाए हैं या जो सोर्सेज से हमको नहीं मिल पाया है, वो भी चैनल हो सकते हैं कि डीडी फ्रीडम्स के एनुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और स्लॉट जीतकर 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडम्स पर लॉन्च हो। बाकी दोस्तों मात्र 6 दिन और बचा है। 12 फरवरी के दिन लास्ट डेट है। 12 फरवरी को शाम को 5 बजे तक चैनलों के पास लास्ट मौका है। जो भी चैनल डीडी फ्रीडम्स पर लॉन्च होना चाहता है, एनुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उन सभी चैनल्स के लिए लास्ट मौका है। और दोस्तों 12 फरवरी के दिन ही कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन कौन से चैनल हैं जिन्होंने अपना फॉर्म, अपना एप्लीकेशन प्रसार भारती के पास सबमिट किया है। और उसके बाद दोस्तों काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से चैनल इसमें से स्लॉट जीत सकते हैं, कौन से चैनल लॉन्च हो सकते हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, जैसे ही हमारे सोर्सेज से कोई अपडेट मिलेगा कि कौन कौन से चैनल हैं जो अपना फॉर्म, अपना एप्लीकेशन प्रसार भारती के पास सबमिट कर रहे हैं, कौन से वो चैनल हैं जो स्लॉट जीत सकते हैं, जिनकी संभावना ज्यादा है कि वो चैनल एनुअल ऑक्शन में स्लॉट जीत सकते हैं और 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडम्स पर लॉन्च होंगे। पूरी अपडेट आपको लगातार हम बताते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को एनुअल ऑक्शन के सभी चैनल्स का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, सभी चैनलों के ऑफिशियल अपडेट का पता चलता रहे कि वो कौन कौन से चैनल हैं जो अपना एप्लीकेशन प्रसार भारती के पास सबमिट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों एनुअल ऑक्शन में कौन कौन से चैनल और हैं जो डीडी फ्रीडम्स पर आने चाहिए या एनुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर आपका कोई राय है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।